ये जो है अपना हेड लॉस वाला जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, उस पर जो है हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें फ्रिक्शनल लॉसेस सिर्फ है ना, मतलब माइनर लॉसेस नहीं होंगे, सिर्फ मेजर लॉसेस हैं, तो उस पर क्वेश्चन है, ये देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है यहाँ पे, डिटरमाइन द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन ए पाइप 4 मीटर डायमीटर। द डायमीटर कितना है, डायमीटर डी इज इक्वल टू 4 मीटर है ना, एंड 2.5 किलोमीटर लॉन्ग। एल कितना है, 2.5 किलोमीटर, मतलब कितना मीटर, 2500 है ना, 2500 मीटर हो गया। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द पाइप इज 1.2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टेक फ्रिक्शन कोफिशियंट, मतलब एफ जो है, एफ इक्वल टू, वो बोला है कि 0.005 है, तो आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में ऊपर ही पूछा है, डिटरमाइन द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब एच एफ निकालना है। तो एच एफ का फॉर्मूला ही होता है एच एफ इक्वल टू 4FLV² / d इंटू 2g, तो बस वैल्यूज रख देना, ये निकल जाएगा है ना। तो 4 की जगह पे 4, F की जगह पे पॉइंट ये 0.05, इंटू एल के जगह पे लेंथ जो है 2500 मीटर है, तो 2500 रख देंगे। ये V² V कितना है, 1.2, तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाई डायमीटर, डायमीटर 4 मीटर है, तो 4 × 2 × g, तो 2 जो है 2, और जी की जगह पे 9.81, ये वैल्यू रख देंगे। इससे क्या वैल्यू आएगा वो हम लोग को पता चल जाएगा है ना। तो क्या आया वैल्यू बताइए, फोर इंटू पॉइंट 0.05 इंटू 2500 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 का स्क्वायर, 0.91। अच्छा, हाँ 0.917 है ना, 0.91, और ये यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट क्या होगा इसका, एच एफ है, हेड लॉस, हेड का यूनिट है ना, क्या होता है हेड का यूनिट, मीटर। हम लोग का यूनिट मीटर में होगा, ये लिखना नहीं भूलना है हम लोग को, ये भूल गए मतलब कि हम लोग कुछ डाउट में है ना, वहाँ एग्जामिनेशन में एग्जामिनर जी जो है इवेल्यूएटर मार्क्स काट सकता है। ये एच एफ है, मतलब हेड लॉस है ना, लॉस ऑफ हेड, तो वो मीटर में होगा। ठीक है, फिर ये दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह का, ये 2018 में पूछा हुआ है, ये 2019 में पूछा हुआ है ना, स्क्रीन मतलब धुंधला दिख रहा है या फिर दिख ही नहीं रहा है। अब दिखा क्या, अब दिख रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है। हाँ, तो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, एक बार फ्लाइट मोड पे करके ट्राई कीजिए है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है ये 2018 में पूछा हुआ है, ये 2019 वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, इजी इजी क्वेश्चन पूछता है इस पे। ए पाइप 500 मीटर लॉन्ग जो है, एल जो है, एल दिया हुआ है 500 मीटर है ना, इज कन्वेइंग वाटर, पानी ढो रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जो है 1 मीटर पर सेकेंड है, वो गिवेन है। फाइंड दी सुटेबल डायमीटर, डायमीटर पूछा हुआ है ना, डायमीटर नहीं उसको, डायमीटर पूछा हुआ है। फाइंड दी सुटेबल डायमीटर डी इक्वल टू वाट है ना, इफ द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज 3.4 मीटर है ना। एच एफ जो है वो 3.4, देखिए यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है उसने है ना, हेड लॉस का यूनिट, ये जो है हेड लॉस 3.4 मीटर है, और एफ का वैल्यू जो है गिवन है एफ इक्वल टू 0.01। ठीक है, तो हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करेंगे और जो है इसको बना देंगे, क्योंकि एच एफ इक्वल टू जो होता है हम लोग का 4FLV² / d इंटू 2g, इसमें सारा का वैल्यू रख देते हैं, एच एफ की जगह पे 3.4 मीटर, SI में है, यूनिट में है, तो वो कोई बात, अच्छी बात है। 4 × f का वैल्यू 0.01 इंटू एल का वैल्यू, तो एल जो है लेंथ 500 मीटर है, तो 500 मीटर रख देंगे, इंटू V² मतलब 1 मीटर का स्क्वायर, V एक है, बाई डी, तो डी तो नहीं दिया हुआ है, डी ही निकालना है, 2 × g की जगह पे 9.81, इससे हम लोग का डी निकल जाएगा। डी कितना आएगा बताइए, डी इधर जाएगा, 3.4 नीचे चला जाएगा है ना, तो डी इक्वल टू होगा 0.01 × 500, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, डिवाइड बाई 3.4 × 2 × 9.81, कितना आया बताइए, तो
कोई आदमी कैलकुलेट कर रहा है? ये हो जाएगा आपका 4 × 0.01 × 500 इसको इतना डिवाइड बाई 3.4 इसको इतना डिवाइड बाई 2 इसको इतना डिवाइड बाई 9.81 इसको इतना है ना, तो ये आ गया आपका 0.29 मीटर, 0.2999 है ना, 0.2999 मीटर मीटर आ गया ना। इसका मतलब ये कितना सेंटीमीटर हो गया, 29.9 सेंटीमीटर है ना, लगभग 30 सेंटीमीटर डायमीटर है ना, मतलब हुआ इसका 0.299 है तो मतलब 29.9 सेंटीमीटर, लगभग 30 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो कि लगभग 30 सेंटीमीटर डायमीटर होगा पाइप का, अगर इतना लॉस हो रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन है। तो ये एकदम इजिली आप जो है बना सकते हो, कोई इसमें बहुत दिक्कत वाली नहीं है, ये फॉर्मूला भी कोई खास नहीं है। डेरिवेशन में थोड़ा एक दो पॉइंट समझना है, डेरिवेशन भी आप लोग इजिली कर सकते हो, है ना। ठीक है, अब देखिए सडन एक्सपेंशन इस सब पे जो है, ये जो माइनर लॉसेस उस पे भी कुछ क्वेश्चन पूछता है, बहुत इजी इजी पूछता है। जैसे ये क्वेश्चन है, ए 10 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप, ये 10 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप है ना, डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 0.1 मीटर हो गया है ना। सडनली इन लार्जेस्ट मतलब बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये डायमीटर 1 दिया हुआ है, पहला डायमीटर दिया हुआ है। सडनली इनलार्जेज मतलब जो सडनली चेंज होता है उसका डायमीटर, इनलार्जेज टू 20 सेंटीमीटर, मतलब D1 इतना था तो D2 जो है वो इतना हो गया 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर। मतलब कोई पाइप ऐसे था जो अभी 10 सेंटीमीटर था और सडनली इनलार्ज हो गया 20 सेंटीमीटर, है ना, ये पहले 10 सेंटीमीटर था और बोला सडनली इनलार्ज टू 20 सेंटीमीटर, ऐसा हो गया। कैलकुलेट द डिस्चार्ज इफ लॉस ऑफ हेड इज 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ पाइप, है ना। इनलार्जमेंट के वजह से मतलब एक्सपेंशन की वजह से एच ई जिसको बोलते हैं, एच ई दिया हुआ है, एच ई जो है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर एच ई है, 30 सेंटीमीटर का मतलब 0.3 मीटर है ना, ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि आप डिस्चार्ज बताइए क्यू क्या होगा, क्यू इक्वल टू वाट, तो क्यू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, चाहे वो A1V1 हो या A2V2 हो, तो दोनों जगह पे क्या हम लोग को है कि एरिया तो पता है, डायमीटर गिवन है तो एरिया तो पता है लेकिन वेलोसिटी नहीं पता है ना। तो वेलोसिटी कैसे आएगा, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना एच ई, इससे आएगा। तो हम लोग का वी हैव एच ई इक्वल टू, एच ई क्या होता है वो V1 - V2 का होल स्क्वायर बाई 2, यही ना उधर लिखा हुआ था, एच ई जो होता है एक्सपेंशन की वजह से V1 - V2 का होल स्क्वायर बाई 2g होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये सब वैल्यू रख देते हैं, तो एच ई इक्वल टू 0.3 है, तो 0.3 इक्वल टू V1 - V2 का होल स्क्वायर, तो ये V1 - V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 × g, तो 2 × 9.81 है ना, तो इससे V1 - V2 का वैल्यू निकल जाएगा, है ना, V1 - V2 का होल स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा, वो हो जाएगा 0.3 × 2 × 9.81, कितना आएगा वैल्यू ये बताइए, 0.3 × 2 × 9.81 ये आ गया 5.886 है ना, ये 5.886 आ गया। तो इससे V1 - V2 भी तो निकल जाएगा, हम लोग का रूट चढ़ा देंगे इस पर, तो V1 - V2 जो है क्या स्क्वायर का वैल्यू है ना, इसमें रूट चढ़ेगा तो ये हो जाएगा, हम लोग का V1 - V2 पता चल जाएगा, है ना। तो उतना इक्वल टू रूट ऑफ इसका कर देंगे हम लोग, रूट ऑफ द आंसर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2.42, तो V1 - V2 जो हो गया वो 2.42 हो गया। ठीक है, तो एक ये रिलेशन हो गया, और एक ये रिलेशन होता है ना कि A1V1 = A2V2, तो ये भी हम लोग लगा देते हैं उससे, एक कि अभी हम लोग को V के बीच में सिर्फ रिलेशन बना है, कोई कोई V का वैल्यू निकला नहीं है ना, तो इसको भी हम लोग अप्लाई कर देंगे, तो इसमें भी हम लोग का ये निकल गया आएगा कि A1 = हो जाएगा π/4 और D1 स्क्वायर, तो D1 कितना है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा × V1 भी रहेगा, और D2 है A2 जो है वो π/4 × D2 का स्क्वायर, मतलब वो 0.2 का स्क्वायर × V2, ये है ना। तो π/4 से ये π/4 कट जाएगा, तो V1 और V2 में एक रिलेशन बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे V1 = हो जाएगा हम लोग का 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.1 का स्क्वायर × V2, ये कितना होगा 0.2 का स्क्वायर
टू इतना डिवाइड बाय 0.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया ना, तो ये आ गया हम लोग का 4v2 हो गया। तो v1 इज इक्वल टू हो गया 4v2 है ना, v1 इज इक्वल टू 4v2 हम लोग का निकल गया है, दिख रहा है आप लोगों को है ना। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे है ना, इसको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि चूंकि जो है v1 माइनस v2 जो है वो 2.42 है, तो v1 इज इक्वल टू 4v2 है, तो 4v2 हम लोग यहाँ पर रख देंगे, 4v2 माइनस v2 इज इक्वल टू 2.42, तो यहाँ पे हम लोग का ये 3v2 निकल हो जाएगा, 3 तो v2 निकल जाएगा, 3v2 इज इक्वल टू 2.42, तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.42 माइनस 3, 2.42 डिवाइडेड बाई 3 है ना, तो ये हम लोग का आ गया आंसर 0.80, v2 इज इक्वल टू 0.80 और ये मीटर पर सेकेंड होगा है ना। तो v2 निकल गया तो हम लोग अब q निकल जाएगा, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा a2 v2, तो a2 π/4 इंटू डी स्क्वायर, मतलब डी जो 0.2 है ना सेकंड जगह पे 20 सेंटीमीटर है ना, 0.2 का स्क्वायर इंटू 0.8, इतना कर दीजिए, तो 0.8 इंटू 0.2 का स्क्वायर इज इक्वल इतना मल्टीप्लाइड बाई पाई इज इक्वल टू इतना डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू इतना इतना आया 0.025 है ना, 0.025, 0.025 m³/s, ठीक है, ऐसे डिस्चार्ज निकल जाएगा। इसमें इतना आसानी से नहीं दिया हुआ था हर कुछ कि ये निकालना है, एच ही दिया हुआ था, एच ही का फॉर्मूला ये होता है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाय 2g, और ना v1 है ना v2 है, तो v1 और v2 के बीच में एक रिलेशन आ गया है ना। अब v1 v और v2 के बीच में एक और रिलेशन तो बनता है कंटिन्यूटी इक्वेशन का, a1 v1 = a2 v2, उससे भी एक रिलेशन आ गया, दोनों रिलेशन को यूज करके हम v1 या v2 में से कोई एक निकाल लेंगे, जैसे ही कोई एक निकाल निकल जाएगा तो वहां पर का डिस्चार्ज निकल जाएगा उस जगह पर का है ना, इसीलिए डिस्चार्ज पूछा हुआ था है ना, डिस्चार्ज इफ द लॉस ऑफ हेड इतना, तो डिस्चार्ज पूछा हुआ था वो हम लोग ने निकाल लिया, ठीक है, होप ये समझ में आ गया होगा, उसमें बहुत दिक्कत नहीं होगा है ना। हाँ ठीक है, अब देखिए उसी तरह का उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, द डायमीटर ऑफ द पाइप सडनली चेंजेस फ्रॉम 50 से 100 हो जा रहा है ना, ये भी एक्सपेंशन वाला ही केस है, 50 से डायमीटर जो है 100 हो जा रहा है, यहाँ पे 50 था mm है ना, 50 mm, यहाँ पे 50 mm है, उससे यहाँ पे 100 mm हो गया है ना। तो द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द सडन एक्सपेंशन इज मेजर्ड टू बी 30 cm, ये एच ई जो है वो बता रहा है कि वो 30 cm है ना, 30 cm मतलब 0.3 m, कैलकुलेट डिस्चार्ज थ्रू दी पाइप, वही सेम क्वेश्चन है ना, तो ये आराम से बन जाएगा है ना, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, सेम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन हो गया है ना, उसी मेथड से करके आप लोग बना लीजिएगा है ना, बना के कल इसका वैल्यू बता दीजिएगा, ठीक है, ठीक है।